इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब हम यूट्यूब पर कोई वीडियो प्ले करते हैं तो कभी कभार जो है हमें कुछ इस तरह के एरर शो होते हैं जिसमें लिख कर आ जाता है दिस वीडियो कंटेंट फ्रॉम जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, या फिर दूसरी जो कंपनी है उसका नाम यहाँ पर आ सकता है, आगे हु हैज ब्लॉक इट ऑन कॉपीराइट ग्राउंड। तो इस तरह का हमारे सामने एक एरर आ जाता है एंड यूट्यूब वीडियो जो है प्ले नहीं हो पाती। तो इसका क्या मतलब है और इस एरर को कैसे फिक्स किया जाए, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को प्ले तो कर रहे हैं लेकिन ये नहीं हो रहा। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है पहले वो समझते हैं एंड फिर आपको इसका जो सोल्यूशन है वो भी बताते हैं। तो जो ये वीडियो है इसका जो मतलब है वो यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें कुछ इस तरह की क्लिप्स, इस तरह के विजुअल कंटेंट्स, सॉन्ग्स वगैरह है जो कि दूसरे कंपनी का इस्तेमाल किया गया है और वह कंपनी ने उसको ब्लॉक कर रखा है, मतलब यूट्यूब पर वह नहीं चल सकता। जो भी कंपनी यहाँ पर थी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिखा हुआ है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के कंपनीज़ के नाम होते हैं जो कॉपीराइट ओनर होते हैं या फिर जिनकी ये ओरिजिनल वीडियो होती है। होता क्या है, कई बार दूसरे जो यूज़र होते हैं वो कंपनी की वीडियोस को उठाकर यूट्यूब पर डाल देते हैं। फिल्म है फिलहाल जिस पे ये मेरे सामने इस तरह का एरर आ रहा है, तो जो भी ये दूसरे कंपनी की तरफ से लेकिन ये किसी यूज़र ने अपलोड किया है यूट्यूब पर, तो वहाँ पर इस तरह के आ रहा है कि ये जो वीडियो है या फिर ये जो आप देख रहे वीडियो है उसमें जो चीज़ें हैं वो किसी और कंपनी की है जो कि यह यूट्यूब पर इस वीडियो को चलने की परमिशन नहीं देती है। तो अब इस एरर को फिक्स कैसे किया जा सकता है या फिर इसका कोई सोल्यूशन है, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है क्योंकि जिस कंपनी ने इस वीडियो को ब्लॉक किया है उसने हर जगह पर इसे ब्लॉक कर दिया है एंड वो वीडियो अब कभी भी प्लेएबल नहीं है। कुल मिलाकर बात यही है कि आप इस वीडियो को अब नहीं देख सकते किसी भी हालत में या फिर किसी भी रीज़न में। रीज़न आपको पता चल गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।